राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बस सुबह का समय हो रहा है, बच्चे स्कूल चले गए और हमने भी हमारी मॉर्निंग टी पी ली। उसके बाद में हम लोग भी लग गए हमारे डेली रूटीन वर्क को पूरा करने में। तो बस अभी फ़िलहाल मैं धो रही हूँ ये बालकनी, जो मैंने दो दिन से धोई नहीं है क्योंकि बारिश आ रही थी, तो फिर मैंने इसे धोया ही नहीं। तो आज तो बारिश रुकी हुई, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे धो लेते हैं। तो आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। तो फिलहाल बालकनी तो मेरी धुल गई और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। अभी तो थोड़ी दूर पहले तो धूप आई हुई थी, अभी थोड़े से बादल हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हमने हमारा लंच बनाना। तो परवर की सब्जी हमारे बन के रेडी हो गई, कढ़ी भी बन गई और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेथी के पराठों के लिए आटा और मासी जी हमारे बना रहे हैं साथ में चटनी, क्योंकि कल ही ताज़ा ताज़ा हरा धनिया और पुदीना लेकर आए थे। तो मासी ने सोचा चलो चटनी बना देती हूँ। तो मासी यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्च और नमक और जीरा डाल के इनकी चटनी बनाएगी। ये मिक्सर में नहीं पीसते, जो लहसुन कूटने का आता है उसी में इस चटनी को हम लोग रेडी करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पराठों का आटा भी लग गया है और मैं साथ में जो मेरे बर्तन धोने के हैं वो भी निकालती जा रही हूँ। तो आटा तो मैंने लगा लिया, अब यहाँ पर बनाएंगे हम आलू की सब्जी। ये देखिए परवर की सब्जी रेडी हो गई, चटनी भी बन गई। अब आलू भी मासी ने काट लिए, तो फटाफट से अब इसकी सब्जी भी बनने के लिए रख देते हैं। तो फिलहाल बर्तन तो मैंने धो लिए, अब मुझे खाली मेथी के पराठे बनाना बाकी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ, क्योंकि अच्छी धूप आई हुई है तो कपड़ों को भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो फिलहाल कपड़े तो मैंने यहाँ पे सारे सुखा दिए, अच्छी धूप भी आई हुई है और यहाँ पे ये मैंने स्लाइडर भी खोल दिए ताकि अंदर वाले जो कपड़े वो भी अच्छे से हवा से सूख जाए। इस साइड का भी खोल दिया, ये इधर वाला भी खोल दिया। तो काम हमारा सारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है और मासी जी ने भी प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। मासी ब्रेड लेके क्यों खड़ी है ऐसे? पूछ रही हूँ कि सैंडविच बनाने के शाम को, वो शाम को देखेंगे। ठीक है, तब भी तो रख देते, शाम को सोचेंगे वो प्लान हो जाएगा। सही है, मिक्सर है का मिक्सर। और भाई साहब तो हमारे यहाँ पे फोन में घुसे हुए हैं, सो जाए आप थोड़ी दूर, फिर वापस उठकर पढ़ाई करेगी। अभी आज तो सुबह किसु बच गई मेरी डांट से, मॉर्निंग का टाइम था इसलिए। आज सुबह सुबह में इसने मुझे आई कार्ड के लिए इतना भगाया, नीचे जाकर चिल्लाती है मेरा आई कार्ड। चीज़ें अपनी थोड़ी संभाल कर रखा कर, सही है ना? हाँ। और अब थोड़ी दूर रेस्ट कर ले, आ जा। किसु के साथ में तो ऐसा कई बार होता है कि वो चीज़ें भूल जाती है, फिर जब स्कूल जाने के लिए निकलती है और नीचे पहुँचते तब उसे याद आता है कि मैं ये लाना भूल गई। कभी आई कार्ड भूल जाती है, कभी ग्राफ बुक भूल जाती है, तो उस टाइम तो वो नीचे से मांगती तो मैं उसे दे देती हूँ, लेकिन जब वापस स्कूल से आती तब डांटती हूँ कि ऐसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी उससे भी हो जाता है, छुट्टी है अभी तो। अभी हो चुका है इवनिंग टाइम और यहाँ पर हमारी किसी सोकर भी उठ गई और ये अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी भी करने लग गई। वी और सृष्टि तो ट्यूशन गए, ये थोड़ी दूर बाद में जाएंगे, है ना किशो? और कल है बैसाख, स्कूल में छुट्टी। तो यहाँ पे मासी ने बना दी है चाय हमारे लिए, नहीं मासी किसके लिए? उनके लिए, हमने तो कब की पी ली। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बनने के लिए रख दी। तो अभी घर पे बता रहे थे काकोसा और बना, तो वो तो चले गए, थोड़ी दूर ही रुके, लेकिन अभी घर पे कोई आया है जिनसे हमें काफ़ी टाइम से मिलने जाना था लेकिन हम लोग जा ही नहीं सके, तो वो आज हमसे मिलने के लिए आए। मैं बताती हूँ कौन आए। हमारे भाभी साहब हमसे मिलने के लिए आए क्योंकि हम लोग नहीं गए थे इनसे मिलने, इसलिए। और तबीयत ठीक है भाभी साहब? रेडी है क्या? जय श्री कृष्ण भाभी साहब। और साथ में हमारे भावेश बना भी आए। दोनों भाभी साहब के साथ में बातों में लग गई तो समय का पता ही नहीं चला और ये भी भूल गई कि अभी मैं कपड़े भी लेकर नहीं आई हूँ। तो अब सडनली मुझे याद आया तो बस अभी मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। वो लोग तो बैठे, मैंने कहा मैं पहले कपड़े लेकर आ जाती हूँ।
तो ये रहे कपड़े जो मैं सुबह सुखा कर गई थी, तो फटाफट से इन्हें पहले ले लेती हूँ। और अंधेरा होने पर जो यहाँ से व्यू आता है इतना अच्छा लगता है। भाभी सा और हमारे वापस रवाना भी हो गए, और ध्यान रख जो भाभी सा तबियत रहो, अब के माँ हुआ पक्का वो ही तो मासी जी माँ पधारो घर में वे लोग तो गए तो फिलहाल भाभी सा और तो चले गए अपने घर पर, और हम लोग भी लग गए फटाफट से हमारे वर्क पर। तो कपड़े तो मैंने फोल्ड कर लिए, बस मेरे आयरन के बाकी है, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़ों को आयरन। और ये मेरा एक ऐसा डेली वर्क है जिसे मैं एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें एक दिन भी स्किप कर देती हूँ तो दूसरे दिन फिर मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इसलिए चाहे मेरे कितना भी लेट हो, मैं कपड़े आयरन करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर मासी ने भी अपना वर्क पूरा कर लिया है। मासी ने भी थोड़ी सी रोटी बनानी थी वो बना दी, क्योंकि हमने बनाई है लौकी की सब्जी, साथ में सिंपल खिचड़ी और थोड़ी सी सबके लिए रोटी। तो मासी यहाँ पे मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये थोड़े से जो कपड़े हैं वो आयरन कर लेती हूँ, तब तक हमारे किसू जो ट्यूशन गई हुई है वो भी आ जाएगी वापस, तो फिर साथ में ही खाना खा लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ डीमार्ट, और वहाँ से जाऊंगी गणपति देखने के लिए। डीमार्ट से आप क्या लेकर आने वाले हो भाई साहब? बैग, स्कूल बैग। हाँ। अच्छा, और गणपति जी के दर्शन करके आओगे? ठीक है, बाय। मैं नहीं आ रही हूँ आपके साथ में। कली नहीं जा रही है, सृष्टि भी उसके साथ में जा रही है, आज दोनों बहने बहने जा रही है। हाँ। जाओ। तो किसू और सृष्टि के साथ में उनके दादी साहब भी गए हैं डीमार्ट में और गणपति जी के दर्शन करने के लिए, और ये वीडियो मुझे किसू ने डीमार्ट में जाकर फिर सेंड किया है। इसलिए हमारे दोनों भाई साहब चले गए आज डीमार्ट, उनके स्कूल का बैग लेकर आना इसलिए, और साथ में उनके दादी साहब भी गए, तो डीमार्ट भी जाकर आएगी और गणपति जी के दर्शन भी कर आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे गणपति जी का आगमन हो रहा है। और हमारा भी सारा काम फिनिश हो चुका है, हमारा भी किचन हमने क्लोज कर दिया है। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कल है 5 सितंबर, तो शिक्षक दिवस भी है, और कल मासी के लल्ला का भी बर्थडे है, हर्षितवना का बर्थडे है, और रामदेव जी अपने बाबा रामदेव जी का भी बर्थडे है ना मासी। हाँ यार, बहुत ही खास दिन है सबके। कल बीज है चाननी, इसलिए अपने परिवार के लिए भी एकदम खास दिन है कल। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए।